सरकार अविवाहितों को पेंशन दे रही है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन ये पहल हरियाणा सरकार ने की है। यानी कि 45 साल की उम्र तक जिन भी लोगों की शादी नहीं हुई है, सरकार ऐसे लोगों को हर महीने पेंशन के तौर पर उनके अकाउंट में कुछ पैसे देती है। योजना का नाम है अनमैरिड पेंशन स्कीम और लाभ मिलता है हर कैटेगरी के लोगों को। अब ये स्कीम क्या है, सरकार कितनी राशि खाते में भेजती है, इसकी पूरी जानकारी आज बात आपके काम की में जानते हैं। हरियाणा सरकार 45 से 60 साल के अविवाहित लोगों को पेंशन देती है। इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। योजना का लाभ उन लोगों को मिलता है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। इसके साथ ही 40 से 60 साल तक के 3,00,000 वार्षिक आय तक के विधुर को भी पेंशन दी जाएगी। विधुर मतलब जिनकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो। इस योजना के जरिए सरकार अविवाहितों को हर महीने 2,750 रुपए खाते में भेजती है, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बने। बात अगर योग्यता की करें तो आवेदक मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला होना चाहिए। उसके पास अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। अगर आप भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा, तो वहीं ऑफलाइन मोड की बात करें तो नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या फिर अटल सेवा केंद्र भी जा सकते हैं।